पूरे हो गए हैं। जो कोई भी नया कायदा आता है, कोई भी नया कानून आता है, तो ये बात मान के चलिए कि कठिनाइयाँ आती हैं, सब वर्ग को आती हैं, प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो या कोई भी व्यापारी हो, उन्हें आई। बट मैं मानता हूँ GSTN जो पोर्टल है, जिसमें शुरू के सालों में लोग कह रहे थे कि तकलीफ़ आ रही है बिजनेसिस को, वो आज काफ़ी हद तक सेटल हो चुका है। और जो रिटर्न की फाइलिंग की सिस्टम है, जिस तरह से स्टैगर्ड डेट्स में स्टेट वाइज रिटर्न भरने हैं, आज काफ़ी आसानी से और सहूलियत से रिटर्न फाइलिंग हो पा रहा है, ई वे बिल हो रहे हैं। और आपने देखा ई इनवॉइस की जो लिमिट है वो हर 6 महीने या 1 साल में सरकार कम कर रही है। और कुछ समय में मैं मानता हूँ जैसे पूरे इंडिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन्स और UPI पेमेंट्स का जो दौर चला है, साथ साथ इस ई वे बिल्स और ई इनवॉइसिंग के कारण फॉर्मलाइजेशन जो इकोनॉमी का है वो पूरी तरह से हो जाएगा। और जो देश का लक्ष्य है $5 trillion इकोनॉमी में पहुंचने का, वो पूरी तरह से सार्थक है। ठीक है, थैंक यू।